अब बैगन में कीट लग गेलक, रोग लग गेलक, तो रोग लगल से का भेला बैगन टेढ़ा हो जाएला, सूख के गिर जाएला, तो किसान भाई बहन के नुकसान होएला। तो नुकसान से अगर बचे के है तो चलू हमारा और उनके सीधे ले के चल थी, हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी, ताकि हमारे किसान भाई बहन मन के नुकसान ना होवे, है नहीं। तो जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि बैगन एक सोलनेसियस वर्ग का एक पौधा है, जिसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत सारे बीमारी। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से बीमारी का हम प्रबंधन कैसे करेंगे। जहां तक बीमारी की बात है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, और अम्लीय मिट्टी होने के कारण यहाँ पर बैक्टीरियल विल्ट जो है झारखंड के 70% इलाके में बैक्टीरियल विल्ट जो है सो बैगन में लगते हैं। बैगन के अलावे और भी अन्य सब्जी जो कि सोलनेसियस वर्ग में आते हैं उसमें लगते हैं। अब जहाँ तक कि बैक्टीरिया का समस्या है, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है, तो सबसे पहले इसको पहचानना बहुत आसान है। आप अगर बैक्टीरिया पौधे को उखाड़ेंगे और जड़ से काट करके हटा देंगे और तने को थोड़ा सा तिरछा काट के अगर उसको सफ़ेद ग्लास में, शीशे के ग्लास में पानी में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें बैक्टीरियल ऊज निकलता है। तो आप समझ पाएंगे कि यह बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया के चलते, जीवाणु के चलते ये बीमारी है, जिसमें कि मुख्य रूप से रेलस्टोनिया एक बैक्टीरिया है जिसके चलते ये होता है। अब है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। इसके प्रबंधन के लिए जैसे बैक्टीरियल विल्ट अगर खेत में लग जाता है तो इसका प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर लगा हुआ है तो हम अगर उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो तुरंत ट्रीटमेंट के लिए जो है सो केमिकल ट्रीटमेंट भी हम किसान को सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि इस मिट्टी में बार बार बैक्टीरियल विल्ट लगता है, तो हम किसानों को बोलते हैं कि पहले से उसमें खेत में पहले से प्रबंधन करना चाहिए, ताकि बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी आपको कम लगे। जैसे कि अगर बैक्टीरिया लग गया है पौधे में और आपको बचाना है, तो उस समय हम किसान को तुरंत बोलते हैं कि ड्रेंचिंग करने, किसी केमिकल से ड्रेंचिंग करने के लिए, जिसमें कि सब लोग जानते होंगे जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक केमिकल है, जिसको कि हम 6 ग्राम का एक पैकेट आता है, उस 6 ग्राम को पैकेट को 40 से 50 लीटर पानी में मिला करके ड्रेंचिंग करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो बीमारी कम हो सकता है। इसके अलावे जो है सो दूसरा केमिकल जैसे कि कैसुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी मार्केट में उपलब्ध है और ये भी बहुत अच्छा दवा है। इससे भी हम किसान भाइयों को ड्रेंचिंग करने के लिए कहते हैं। ये तो तुरंत समाधान है, लेकिन इससे पूरी तरह जो है सो आपका पौधा बच नहीं सकता है। इसके लिए जो है सो किसान भाई को हम शुरू से खेती जब स्टार्ट करते हैं, बैगन की खेती जब आप शुरू करेंगे, तो शुरू से खेतों का प्रबंधन, बीज का प्रबंधन, बिचड़ा का प्रबंधन करने के लिए कहते हैं। अब जहाँ तक खेत का प्रबंधन है, तो आजकल सभी लोग जो है सो रासायनिक दवा का उपयोग करने से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में हम किसान भाइयों को हमेशा कहते हैं कि आप अपने खेत को जो है सो मिट्टी को जो है सो ट्राइकोडर्मा आजकल बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, हमारे रिसर्च स्टेशन पलांडू में भी उपलब्ध है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है, और ट्राइकोडर्मा का कई सारी प्रजाति है, जैसे ट्राइकोडर्मा भिरीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, उस ट्राइकोडर्मा स्पैरलम कई प्रजाति है, जिससे कि आप खेत मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। किसान भाई जो जब आप खेत की जुताई करते हैं, तो उसी समय आपको मिट्टी में मिला करके और खेत की जुताई करना है। इसके अलावा दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी जो है वो हमारा फोमोप्सिस ब्लाइट लगता है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि फल जो है फल सर जाता है, उसमें जो है सो शुरू में आपको ब्राउन कलर का स्पॉट दिखेगा, उसके चारों ओर हल्का येलो कलर का स्पॉट दिखता है। ये जो है सो पत्ते में भी दिखते हैं, तने पर भी ये स्पॉट दिखते हैं, और ये भी फोमोप्सिस नामक फफूंद के कारण होता है। ये जो है सो ये बीमारी भी जो है सो जब आप बिचड़ा तैयार करते हैं, बिचड़ा स्थल से लेकर के खेत में काफ़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है। खेत में देखेंगे कि जो ज़मीन से सटा हुआ, जहाँ मॉइस्चर है, नमी है, ज़मीन से सटा हुआ फल जो है वो फल में फोमोप्सिस, वो फल पूरा सड़ जाता है। तो इसके लिए भी किसान भाई को सलाह देते हैं कि इसके लिए भी बीज उपचार सबसे उपयोगी है। आप बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से करें, बीज उपचार जो है सो कर्वेंडाजिम फफूंद आता है उससे करना चाहिए।